तो जैसे कि हमारा केवीएस पीआरटी का जो है कंप्लीटली फ्री बैच चल रहा है मैथ्स के लिए ना, यहाँ पर मैं पूरा मैथ्स आपको कंप्लीटली फ्री कराने वाला हूँ, ठीक है। तो दो वीडियो हमारा हो गया है, आज ये थर्ड वीडियो है उसके रिगार्डिंग ना, बाकी दो वीडियो जो आप देख सकते चैनल की लिस्ट में जाकर, वहाँ लिखा होगा केवीएस पीआरटी मैथ्स कंप्लीट बैच, तो उसमें दो वीडियोज पड़ी हुई है, थर्ड वीडियो आज का, तो दो वीडियो आप वहाँ से देख लो, बाकी थर्ड वीडियो आज है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर टू पे, क्लास सिक्स का चैप्टर टू जो है उसके बेसिस पर होगा सारा चैप्टर, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमें डिस्कस करेंगे, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्पिटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो सर हम अच्छे से और बहुत डिटेल में देखेंगे, समझ रहे हो भाई। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कुछ मतलब मटेरियल वगैरह बुक्स वगैरह जो आपको कुछ चाहिए हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको दे दूंगा मैं, कहीं से ज्वाइन कर लेना, कमेंट में लिंक है देख लेना वहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ अगर चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, कि अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। बाकी आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है, कोई पार्ट पसंद आता है या वीडियो पसंद आती है, तो आप उसको कमेंट में जो बता सकते हो, हल्का सा क्या आपको पसंद आया है, फिर क्या आपको बेकार लगा वो भी आप बता सकते हो, समझ रहे हो। तो वीडियो जो है शुरू करते हैं, तो आज का वीडियो देखते हैं। तो अभी जो हम क्लास सिक्स का चैप्टर टू करेंगे, ठीक है, चैप्टर टू के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे, तो उससे आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी, अपने आप ही आप क्वेश्चन कर पाओगे 2.1, 2.2 या फिर 2.3, सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आप अपने आप अटैम्प्ट कर पाओगे, साथ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं अंदर एनसीईआरटी अंदर वो भी कर पाओगे, अलग से बुक होती है एग्जाम्पल्स की उसके एमसीक्यू लगा पाओगे, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे या फिर इस तरीके से करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन आप खुद ही अटैम्प्ट कर पाओ, समझ रहे हो। हालांकि मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू वाले, मैंने आपको करवाता भी और बता भी रखा है मैंने आपको, वो भी कराऊंगा मैं, फिर भी आप खुद भी कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो पहले हमने क्या पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, नंबर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं सिस्टम में, हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, वो सारा हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। तो नंबर्स शुरू जब होते हैं तो पहले आता है नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं उसको प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब जो हमें नेचर में दिखते हो, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। लाइक हम किसी को बोलें 1, तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चे को, नेचर में कैसे दिखाएंगे, नेचर में बोलेंगे ये 1, ये हमारा क्या है एक पेन है, दो पेन दिखा देंगे ना, 3 के लिए हम 3 दिखा देंगे, 3 फिंगर कर लो 1, 2, 3 है ना, तो ये 3 हो गई काउंटिंग 1, 2, 3, तो हमारे क्या होंगे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर मतलब होते हैं जो हमें नेचर में दिख सकें, जिसको हम दिखा सकें ना, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर इस तरीके से। लाइक कोई बोले 0 चेयर फिर 0 पेन, क्या हम बच्चे को दिखा पाएंगे कि 0 पेन कहाँ है, तो 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचर में नहीं दिखता, समझ रहे हो। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग 1, 2, 3, 4, फिर जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिट तक जा सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, यहाँ दिख रहा है क्या ऊपर हो गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू कहीं तक भी हम जा सकते हैं। ये जो साइन बनाया बनाया इसको बोलते हैं इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी, ठीक है, दिख रहा है क्या। चलो अब नीचे लिखेंगे फिर दिख जाएगा, हालांकि ये भी दिख रहा होगा हल्का फुल्का तो, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे जो 1 से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकते हो, सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर। तो होल में, होल के नाम में तो क्या आ रहा है, होल मतलब कंप्लीट, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो कंप्लीट नंबर्स हमने क्या करा भाई, 1, 2, 3, 4 तो मैं आ गया है ना, हमें 13 लिखा था 1, 3 कर दिया 13, 10 लिखा 10 हमने कैसे लिखा, 1 के आगे 0 लगाया, 1 के आगे 0 लगाया, इसका मतलब 0 भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है, फिर इंपॉर्टेंट डिजिट है, समझ रहे हो। तो मैं 0 को भी इंक्लूड कर लिया अपने नंबर्स में, जो हमारे 1, 2, 3, 4 सारे नंबर्स थे उसमें 0 भी ले आए, ताकि हम नंबर्स को कंप्लीटली लिख सकें। लाइक आपको 100 लिखना है तो एक के आगे 2 0 लगाई हमने, तो 0 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब 0 लगाने पर या फिर 0 लाने पर वो जो नंबर्स हैं थोड़ा कंप्लीट हो गए, कंप्लीट नंबर्स बन गए। तो मैं क्या बोला उसको, होल नंबर या फिर कंप्लीट नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं हमारे, व्हाट इज होल नंबर, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल नंबर में हम क्या कर दें, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0 + n, तो यहाँ पर n क्या हो गया भाई नेचुरल नंबर, ये 0 है ओ नहीं है, 0 + नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, तो मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ जहाँ तक दिख रहा है, ये इससे आगे हमें नहीं जाना, ठीक है, तो मैं यहाँ तक लिखूंगा। तो होल नंबर क्या हमारे 0 + नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कोई सा भी हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सारे हमारे क्या होते हैं होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार, नेचुरल नंबर क्या है 1 से शुरू हो रहे हैं और होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 + 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है। तो बताओ ज़्यादा क्या है हमारे, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर ज़्यादा कौन है भाई, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, बाकी सारे यहाँ भी होंगे, यहाँ भी हो गए, यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है और 0 यहाँ पर नहीं है। इसका होल नंबर्स ज़्यादा होते हैं और नेचुरल नंबर कम होते हैं। तो होल नंबर्स कितने ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही,
बल्कि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एक्स्ट्रा कौन है भाई, जीरो। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल में क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, ये सारे के सारे अपने आप ही कहाँ आ गए, होल नंबर्स के अंदर आ गए। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर्स होते हैं। समझ रहे हो भाई, दिख रहा है आपको? अगर हम उल्टा बोले कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, लिख देता हूँ मैं, चलो ऑल होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो बताओ ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऐसा होता है क्या, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? तो एग्जांपल लो भाई, सारे होल नंबर शुरू में क्या आता होल नंबर का, जीरो। तो जीरो में चेक कर लिया, जीरो होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर भी है? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो कहीं भी आप कुछ भी चेक करो ट्रू फॉल्स, तो अगर एक कंडीशन में गलत वाली मिलती है तो उसको हम गलती बोलेंगे। ठीक है, ट्रू का बोलते हैं सारे ट्रू, सारी कंडीशन ट्रू हो, अगर एक कंडीशन भी या फिर एक केस भी हमारा फॉल्स आता है तो वो स्टेटमेंट पूरा क्या कहलाता है, फॉल्स कहलाता है। तो इस यहाँ बोलेंगे ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जीरो ने मैं बताया ना, जीरो ने, तो जीरो क्या है, होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये सारा समझ गए। फिर हम बात करते हैं आगे प्रीडेसर और सक्सेसर की बात है ना। तो प्रीडेसर होता है और एक होता है सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है, हमारा आगे वाला, और प्रीडेसर क्या होता है, पीछे वाला। ठीक है, तो लाइक हमारा 39 है, तो इसके आगे क्या आएगा, 39। तो 39 का आगे क्या आया था भाई, सक्सेसर क्या आएगा, 39 के आगे आता है 40, और इससे पहले क्या आएगा हमारा, 38। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम, 38 इज द प्रीडेसर ऑफ 39। 39 के पीछे क्या आता है, पीछे वाला। तो मतलब लिख लेता हूँ चलो मैं, प्रीडेसर। ठीक है, तो प्रीडेसर मतलब क्या हो गया, पीछे वाला, और दूसरा हमारा क्या वर्ड होता है, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या होता है भाई, आगे वाला। ठीक है, तो प्रीडेसर मतलब पीछे वाला, और सक्सेसर क्या होता है, आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ 38 क्या है भाई, 39 के पीछे आ रहा है, तो हम बोलेंगे 38 इज द प्रीडेसर ऑफ 39। जो 38 हमारा वो क्या है, 39 का प्रीडेसर है, फिर पीछे वाला है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 39 इज द प्रीडेसर ऑफ 40, या ऐसे बोलो 39 इज द सक्सेसर ऑफ 38। जो 39 है वो क्या है, 38 का सक्सेसर है, आगे वाला है। ठीक है, मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप बताना ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, देख पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, 41 इज द सक्सेसर ऑफ 40, ये लिखा है मैंने। ठीक है, 41 इज द सक्सेसर ऑफ 40, जो 41 है वो क्या है, 40 का सक्सेसर है। क्या ऐसा है, 41 इज द सक्सेसर मतलब क्या होता है, आगे वाला। क्या 41 आगे वाला है 40 के, क्या 40 के आगे 41 ही आता है, हाँ 40 के आगे 41 आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता 41 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 40, क्या ये ट्रू है बताओ, 41 इज द प्रीडेसेसर, तो प्रीडेसेसर क्या होते हैं हमारे, पीछे वाला। तो 41 इज द पीछे वाला, क्या 41 40 के पीछे आता है, क्या 41 40 के पीछे आता है क्या, नहीं। तो 41 40 के पीछे नहीं आता, तो हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे पी की जगह क्या होता, अगर यहाँ पर पी की जगह क्या होता, ऐसा होता, तो क्या सही बात थी, क्या 41 इज द सक्सेसर ऑफ 40, तब तो सही थी, क्योंकि ऊपर भी लिखा है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें, दिखेगा यहाँ पर, हाँ अगर ऐसे लिखें 39 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 38, ये बताओ ट्रू है फॉल्स है, 38, तो 39 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 38। क्या 39 पीछे आता है 38 के, क्या 39 38 के पीछे आता है, नहीं आता, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है भाई, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कैसे हमको ट्रू फॉल्स करने होते हैं, प्रीडेसेसर वाले या फिर सक्सेसर वाले। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो पूछ सकता है ना, लाइक हमारे क्या है, वो पूछ सकता है हमसे कि व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो मैं क्या सोचना है भाई, सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर सोचो, फिर दो अंकों की सबसे बड़ा संख्या सोचो, क्या होती है भाई, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 या फिर 99 है ना, तो 99 क्या होता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हल्का सा 99। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ दिस नंबर, तो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके जस्ट पीछे कौन आता है, जस्ट पीछे कौन आता है, तो बताओ 99 के पीछे कौन आएगा भाई, 98 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 98 लिख लेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछता व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर सोचो, सबसे बड़ा दो अंकों का नंबर सोचो, क्या आता है हमारा, 99 आता है, उसके आगे क्या आता है हमारा, तो 99 + 1, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, 100 आएगा। ठीक है, तो 99 का जो सक्सेसर होता है वो हमारा क्या होता है, 100 होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 100 इज द सक्सेसर ऑफ
99, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है भाई, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा दो अंकों का, फिर ये था हमारा टू डिजिट का, लेकिन आंसर क्या आ रहा आगे हमारा थ्री डिजिट का, फिर तीन अंकों का। तो इसका मतलब लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में अगर वन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा तीन अंकों का वैसे होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट टू डिजिट, इसका मतलब दो अंकों सबसे बड़ी संख्या ही है। अगर आप एक भी आगे गए तो आप दो अंकों में नहीं जाओगे, कहाँ पहुँच जाओगे, तीन अंकों की छोटी संख्या पर पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में अगर वन ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पर, या फिर तीन अंकों की छोटी संख्या पहुँच जाते हैं। देखो 99 + 1, आगे गए हम सक्सेसर, तो क्या होता हमारा 100, जो कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। अगर वो बोलता है हमें व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो क्या होता है भाई, तीन अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999 या फिर 999, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, आगे वाला क्या होगा इसका 1000, तो ये क्या हो गया हमारा फोर अंकों का, फोर डिजिट का हो गया, समझ रहे हो भाई। इसके पीछे क्या आएगा हमारा 998, जो कि अभी भी तीन अंकों का ही है, तो आई थिंक ये भी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप पूछ सकता है व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर के पीछे वाला क्या होता है, तो क्या होता है भाई, दो अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, दो अंकों की छोटी संख्या क्या होती है हमारी 10, तो 1 के आगे 0, तो हमारा क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 का प्रेडेसेसर क्या होता है, पीछे वाला क्या होता है, तो 10 के पीछे आता है 9। तो इसका मतलब हम दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसके पीछे पीछे जाएंगे हम, तो क्या बचेगी, वो तो बचेगी एक अंक की बचेगी सिर्फ, ठीक है। या फिर और ले लो एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है अभी तीन अंकों की, वो होती है हमारी 100, तो 100 जस्ट पीछे क्या आता है उसका, 100 का प्रीडेसेसर क्या होता है 99, तो इसका मतलब फिर से क्या बन गई, दो अंकों की बन गई, फिर टू डिजिट बन गया, ठीक है। तो अगर हमसे बोलता है वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर का हमें क्या बताओ, प्रीडेसेसर पीछे वाला बताओ, तो अपने आप क्या हो जाएगा भाई, दो अंकों का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 99 हो गया। ये सही सब आपसे वो ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकता है, मतलब आपको ऑप्शन देगा कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या कौन सा फॉल्स है, चार ऑप्शन दिया करेगा, तो उसको आपको छांटना है या प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन जब एनसीईआरटी में देखनी है फिर एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है, समझ रहे। तो ये सारा हमारा यहाँ पर हो गया, इस तरीके से हमारे आते रहते हैं। कुछ और यहाँ पर पूछ सकता है हमसे, है ना, लाइक व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, होता है सब छोटा होल नंबर 0 या 1, 0, ठीक है, 0 होल नंबर होता है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। अगर हमसे पूछता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है सबसे छोटा, वो होता है हमारा 1, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 0 नहीं होगा, समझ रहे हो भाई। यहाँ पर एक कहानी और, ठीक है, जिसमें आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, लाइए मिटा देता हूँ पहले मैं, हाँ चलो पूछ लेता हूँ पहले ही, मतलब व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, तो नेचुरल नंबर 1 का प्रीडेसेसर या फिर पीछे वाला क्या होता है, जल्दी बताओ भाई, 1 के पीछे क्या आता है, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, ठीक है। तो जिसने आंसर बताया 0, उसका आंसर जो है गलत हो गया है, ठीक है, तो 0 आंसर इसका नहीं है, कैसे अभी बताता हूँ, चलो इतना ही बहुत है। तो देखो मैंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, तो नेचुरल नंबर 1 का प्रीडेसेसर है पीछे वाला क्या होता है, तो 1 के पीछे क्या आता है, 0 आता तो है, लेकिन उसने क्या बोला है नेचुरल नंबर 1, तो नेचुरल नंबर 1 के पीछे क्या आता है, 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या देंगे, नॉट पॉसिबल, या फिर कोई भी आंसर इसका नहीं है, ठीक है, नो। तो 1 का नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडेसेसर नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, तो नेचुरल नंबर 1 के पीछे कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो भाई। अगर वैसे पूछता व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ 1, यहाँ पर नेचुरल नंबर ना बोलता तो हम क्या बोलते हैं, 1 के पीछे क्या आता है, 0, तब आंसर हो सकता था। अगर ऐसे बोलता व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 1, तो होल नंबर 1 के पीछे क्या आता है, 0 आता है, और 0 भी होल नंबर होता है, तो यहाँ हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर 1 का पीछे वाला कौन होता है, 0, लेकिन नेचुरल नंबर 1 का पीछे वाला कौन होता है, या फिर पीछे होता है कि कुछ, तो नहीं होता है, फिर नो प्रेडेसेसर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है, समझ गए, कैसे पूछ सकता है वो, अगर वो नेचुरल नंबर ना बोले, जस्ट ऐसे बोले व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ 1, तो हम बोलेंगे 0, व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, तो हम बोलेंगे नहीं है, व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 1, तो तब भी हम क्या बोलेंगे, 0, वो 0 होल नंबर होता है, समझ गए भाई। यहाँ पर वो फंसा लेता कभी कभी, तब अच्छे से इस बात को आई होप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो ये सर हमने देख लिया होल नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर क्या वो किस तरीके से आपसे ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो आगे हमको देखने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों को समझ भी नहीं आती है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, ठीक है उसको। तो पहला क्या होता है हमारा,
यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो पहली होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी क्या होती है, थर्ड होती है हमारी एसोसिएटिव, थर्ड होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ क्या होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी अपने आप लिख लेना आगे, ये सारी चार प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, स्पेलिंग क्या है, सी एल ओ एस यू आर ई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये चारों क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखते समझते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्लोज मतलब क्या होता है, या भी क्लोजर मतलब है ना, तो क्लोज मतलब क्या होता है, बंद। ठीक है, बंद होता है, मतलब एक एरिया जो क्लोज है वह पूरी तरीके से बंद है, उसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, तो वहीं से ये भी आया एक तरीके से ना, समझ सकते हैं हम। तो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्या होल नंबर्स क्लोजर होते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर मल्टीप्लिकेशन में, या फिर डिवाइड में, चेक करना होता है हमको। ठीक है, तो कैसे चेक करें भाई, ऐसे मानो आप एक रूम है हमारे पास जो कि होल नंबर्स का रूम है, यहाँ पर सारे क्या हमारे होल नंबर्स हैं, तो कौन कौन होगा यहाँ पर, क्या जीरो होगा यहाँ पर इस रूम में, हाँ जीरो होगा क्योंकि होल नंबर है वो, 1 2 3 4 15 होगा क्या, हाँ होगा, 50 100 60 80 90, क्या सब यहाँ पर होंगे, सारे यहाँ पर होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हैं होल नंबर्स होते हैं। समझ रहे हो भाई, एक रूम बन गया, इस रूम को बंद कर दिया, समझ रहे, कोई बाहर से यहाँ नहीं आ सकता, ये रूम क्लोज हो गया, हमें क्या करना है, यहाँ से कोई दो उठाने हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरीके से एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ से दो नंबर उठाए, उनको हमने क्या करा, ऐड करा। ठीक है, अगर ऐड करने पर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो ऑलरेडी इस कमरे में, इस रूम में है, ठीक है, लेकिन हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ से होल नंबर वाले रूम में से हमने क्या लिया, 2 लिया और 3 लिया, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5, हमें चेक करके 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर मिल जाएगा भाई, होल नंबर से मिलता है 5, तो 5 यहाँ से ही आ गया। तो इसका मतलब हमने जो ऐड करा, तो जो आंसर आया वो भी कहाँ आया, वो भी होल नंबर ही आ रहा है। एक को एग्जांपल लेते हैं, लाइक 5 प्लस 4, 5 यहाँ से मिल जाएगा, 4 भी इसी में है, तो 5 प्लस 4 कितना आता है, 9 आता है, फिर 9 आता है, क्या 9 तुम्हें होल नंबर के कमरे में, होल नंबर के रूम में मिलेगा क्या, 9, हाँ 9 यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब जो आंसर अभी आया है वो भी क्या आ रहा है, होल नंबर से ही उठकर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर दो नंबर्स को या फिर दो होल नंबर्स को ऐड करने पर जो मेरा आंसर आ रहा हो वो भी क्या हो, होल नंबर ही हो, तो मतलब होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं भाई, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, होल नंबर जो एडिशन में क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं, फिर क्लोज होते हैं। कैसे, एग्जांपल लिए हमने, है ना, हमने करा 3 प्लस 5 कितना आता है बताओ, 8 आता है, 3 पे हमारा क्या है, होल नंबर है, 5 भी क्या है, होल नंबर है, दो होल नंबर्स को ऐड करने पर अगर आंसर भी क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, 8 क्या होता है, होल नंबर। अब कुछ भी कर लो, कुछ और ले लो, 19 प्लस 0 कितना आएगा बताओ, 19 आएगा। ठीक है, और ये भी होल नंबर होता है, तो अगर दो होल नंबर्स को ऐड करने पर आंसर भी क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब होल नंबर्स जो है क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन, ऐड करेंगे तब। माइनस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, वो अभी हमने चेक नहीं करा, फिर अभी बात नहीं करी, समझ रहे, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एडिशन की, फिर प्लस की। ठीक है, तो एडिशन में क्लोजर होता है, हम समझ गए। और एग्जांपल लें, लाइक हमने एक लिया यहाँ से 4, एक लिया -5, तो 4 -5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते भाई, -5 का होल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आपने एग्जांपल ही गलत ले लिया, तो आंसर तो गलत आएगा ही। ठीक है, तो होल नंबर से लेने थे हमको, तो ये हमने चेक कर लिया। आप देखते हैं माइनस का, अगर हम दो होल नंबर्स लेते हैं और उन्हें क्या करें, माइनस करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें, तो जो आंसर आएगा क्या हमेशा होल नंबर आएगा, क्या हमेशा होल नंबर आएगा, सोचो भाई, है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं 5 माइनस 2 कितना आता है, 3 आता है, 3 तो होल नंबर है भाई। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूँ, 2 माइनस 5 कितना आंसर आएगा बताओ, -3। ये 2 क्या होता है, होल नंबर होता है, हाँ होता है, क्या 5 भी होल नंबर होता है, हाँ होता है, तो मैंने दो होल नंबर्स को माइनस किया, आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, लेकिन -3 इस रूम में या इस कमरे में हमको नहीं मिला, तो -3 होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये जो हमारा लिखा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, तो होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में जो है क्लोजर नहीं होते हैं, समझ रहे हो। अगर दो होल नंबर्स को माइनस करेंगे तो हो सकता है होल नंबर आ जाए या हो सकता है ना भी आए, तो इसका मतलब ये क्लोजर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, समझ रहे हो भाई। तो ऐसे हम लिख लेंगे, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना। अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, या फिर ऐसा करना मल्टीप्लाई डिवाइड में आप खुद चेक करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में खुद चेक करेंगे, अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर जो आता है हमेशा होल नंबर ही आएगा, अगर यस तो हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हालांकि इसका आंसर आपका यस आएगा और डिवाइड वाले का आंसर आपका नो आएगा, वो क्लोजर नहीं होते। ठीक है, तो उसको वेरीफाई आप खुद एग्जांपल लेकर अपने आप वेरीफाई उसको कर लेंगे, कर लोगे क्या।
अगली हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉमिटेटिव। व्हाट इज कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है भाई? तो कॉमिटेटिव मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। अगर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक 2+3 कितना आता है, 5 आता है, और 3+2 भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, या 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आंसर कितना आना भाई, 5 ही आना है। इसका मतलब हम ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो भाई। 2+3 = 3+2 कितना आंसर आता है हमेशा बताओ, 5। अगर वो ऐसे लिख के दे रहा है हमको कि 2+3 = 3+2, शायद रोशनी पड़ रही, चलो कोई भी चला लो, मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, है ना। 2+3 = 3+2, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे उल्टा पलट सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, चाहे 2 में 3 ऐड करो 5 आएगा, या 3+2 करो तब भी 5 आएगा। इसका मतलब हम होल नंबर्स को प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, होल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो लिख लेना है होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव, सी मतलब क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो एडिशन में होल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, आप प्लेस एक्सचेंज कर सकते हो, 2+3 को 3+2 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटे से वो आ जाते हैं, फिलअप से आ जाते हैं क्लास में, लाइक 3 × 19, यहाँ क्या आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ लिखा 3 × 19, तो यहाँ क्या आएगा, 19 × 3, तो यहाँ क्या भर देंगे भाई, 19 भर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भर देते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स जो है एडिशन में क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव हो गए। अब चेक करो माइनस में, क्या माइनस में से कर सकते हैं, 3 − 2 = 2 − 3 के बराबर आता है क्या, नहीं। तो 3 − 2 जो है, 3 − 2 = 2 − 3, क्या ऐसा है, 3 − 2 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, नहीं दिख रहा, अच्छा दिख तो रहा है, 3 − 2 कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 − 3 कितना आता है, −1, और 1 और −1 बराबर नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंस है, तो नॉट इक्वल बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे, फिर सब करेंगे घटाएंगे जब नंबर उसको, तो उसको हम एक्सचेंज प्लेस नहीं कर सकते, 2 − 3 लिखा है तो उसको 3 − 2 नहीं कर सकते, समझ रहे हो भाई। तो होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव, होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सबट्रैक्शंस, ठीक है। अब चेक करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12 आता है, 4 × 3 भी क्या आता है, 12 ही आता है। इसका मतलब वहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जिसमें आंसर लिखा था 3 × 19 करो, ये 19 × 3 करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लेकिन डिवाइड में फॉलो नहीं करेगी, समझ रहे हो भाई। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, इसको मिटा लेते हैं एक बार, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा काफ़ी टाइम सा हो चुका है, और मतलब आगे मुझे कुछ काम सा है ना, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्लास देनी तो है ही भाई, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को स्पीड का इशू आ रहा हो तो थोड़ा सा जो है मतलब स्पीड कम कर लेगा, ठीक है, वो 0.75 या 0.5 पर आप चला लो, अगर आप मतलब थोड़ा सा मैथ्स में मतलब थोड़ा वीक है तो आप कम स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड आज जो थोड़ा सा तेज है ना, ये हमारा क्या अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है हम एक साथ 3 नंबर लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं एग्जांपल के 2+3+5, ये मुझे करना है, ठीक है। 2+3+5 आंसर कितना आता है बताओ, 2 और 3 5 5 और 5 10, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो पहले वाले को जो ऐड कर लेता हूँ, पहले मैंने 2 ऐड कर लिए इन दोनों को, फिर जो आंसर आया उसको कर दिया 5 में ऐड, या मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता था, पहला छोड़ देता हूँ और बाद के 2 पहले ऐड करता हूँ, फिर उसमें पहले वाला ऐड कर दूंगा, समझ रहे हो, कर सकते हैं क्या। 2+3 करा पहले, 5 आया, 5+5 10 आ गया, यहाँ क्या करा, 2 को छोड़ दिया हमने, पहले पिछले 2 ऐड कर लिए, तो 3+5 कितना आएगा, 8 या फिर 8, 8+2 कितना आएगा, 10, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब अगर 3 नंबर्स हैं तो आप चाहें तो शुरू के 2 ऐड कर लें, फिर उसको ऐड कर दे 3 वाले में, थर्ड वाले में, या चाहें तो आप पहला वाला छोड़ दो और लास्ट के 2 पहले ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना फर्स्ट वाले में, समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इक्वल आ रहा है यहाँ, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब मतलब किसी को भी एसोसिएट कर सकते हैं, फिर एसोसिएशन मतलब जोड़ना, या फिर रिलेशन बनाना, या फिर संबंध बनाना। तो हमने क्या करा भाई, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया एक साथ, फिर यहाँ पर क्या करा, इन दोनों को एसोसिएट करा, तो कर सकते नहीं कर सकते ऐसा, हाँ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे होल नंबर्स, अपने आप लिख लेना भाई, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशंस, जो होल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं एडिशन में। तो आप प्लस में ऐसा कर सकते हो, चाहे आप शुरू वाले 2 ऐड कर लो या बाद वाले 2 ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो, जो आपको ईजी पड़ता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब चेक करते हैं माइनस में, क्या माइनस में आप फॉलो करेगी, तो नहीं करेगी, चेक कर ले, चलो 2 − 3 − 5, यहाँ भी 2 − 3 − 5, पहले मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, दूसरी बार मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, आंसर निकालो चलो इनके, 2 − 3 कितना आएगा, −1 और −5, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 − 5 − 2, ठीक है।
तो माइनस वन माइनस फाइव कितना आएगा, माइनस का सिक्स आया, यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो आंसर फोर आ रहा है भाई, यहाँ आ रहा माइनस छः और यहाँ आ रहा चार, क्या आंसर सेम है क्या, नहीं, तो इसका मतलब होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस अगर हम करेंगे तो एसोसिएटिव नहीं होती, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, जिन नंबर में लिखा हो उस तरीके से ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, पहले इन दोनों को घटा लिया फिर इसको घटा दें, तो ऐसे हम नहीं कर सकते, समझ रहे हो भाई, आप चेक करो मल्टीप्लाई में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव या फिर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, तो चाहो तो पहले इनका पेयर बना लो या पीछे अलग बना लो, मतलब सेम बात है, आंसर एक ही आएगा, देखो जरा दो तीन छः, छः पंजे तीस, यहाँ देखो तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इसका मतलब होल नंबर्स आर क्या है हमारे, एसोसिएटिव है, तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, एसोसिएटिव आएंगे, ठीक है, चाहो तो दोनों शुरू के मल्टीप्लाई कर लो या बाद के मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, पर डिवाइड में इसका आंसर नो आएगा, फिर से आप इसको खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ आपको खुद चेक करने, हालांकि जो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्लोजर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर ये आगे जो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी सारी भी लगाई हमने होल नंबर्स पे, आप इनको लगा सकते हैं इंटीजर्स पे या रैशनल नंबर में, है ना, इंटीजर में सीखेंगे क्लास सेवन्थ वाले लेक्चर में, जब क्लास सेवन्थ के लेक्चर आएंगे तब उसमें सीखेंगे, और रियल नंबर का फिर नेचुरल नंबर का, सॉरी नेचुरल बोल रहा हूँ, रियल नंबर पर जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3 प्लस 3/5, उनमें भी सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, ठीक है, आंसर सेम ही रहते हैं, रिजल्ट सेम ही रहते हैं, तो सीखेंगे क्लास एट्थ के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, हालांकि अगर आप चाहो तो अभी भी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, फिर अपना दिमाग दौड़ाकर उसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, तो हम बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है 2 × 3 + 6, है ना, 2 × 3 + 6 क्या बोल रहा है भाई, कि 2 को मल्टीप्लाई करो किसमें, 3 + 6 में, तो हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 2 × 3, फिर यहाँ प्लस लिखा है प्लस, और 2 × 6, तुमने क्या करा भाई, इस 3 और 6 को क्या कर दिया, मैं बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 3 जो है यहाँ आ गया और 6 भी 2 के साथ आ गया, ठीक है, तो एक बार लिखा 2 × 3, एक बार लिखा 2 × 6, तो मैंने क्या कर दिया भाई, इस 2 को इसके साथ भी और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर बांट दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ सकते हो आप, देखो यहाँ पर क्या करा हमने, 2 × 3, यहाँ 2 × 6, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करना या फिर बार बार जोड़ना, क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई कहलाता है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 2 × 3, इसका मतलब 2 को 3 बार जोड़ो, ये क्या बोल रहे हैं, 2 को 6 बार जोड़ो, तो पहले हमसे कहा 2 को 3 बार जोड़ो, फिर 2 को 6 बार जोड़ो, फिर इनका आंसर बताओ कितना आएगा प्लस करके, 2 को 3 बार जोड़ो और 2 को 6 बार जोड़ो, तो क्यों ना 2 को 1 साथ 9 बार जोड़ दें, ठीक है, 2 को 3 बार जोड़ना है और 2 को 6 बार भी जोड़ना है, तो क्यों ना 2 को 9 बार जोड़ दें एक साथ ही, तो कितना आएगा, 2 को 9 बार जोड़ने पर या 2 × 9 कितना आता है, 18, 2 × 9 कितना आएगा, 18 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 18 आएगा, चेक कर लो जरा एक बार, 2 × 3 कितना आया, 6, यहाँ 6 × 2 = 12, 12 और 6 कितना आता है हमारा, 18, ठीक है, बाकी हम कैसे कर रहे थे बताओ, इस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, कैसे एक बार सीखो, मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, 2 × 3 + 2 × 6, ठीक है, तो ये हमारे टर्म है, यहाँ कितने टर्म है, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, दो टर्म है, ठीक है, टर्म क्या होते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं, तो जब तक कहीं प्लस या माइनस ना आ जाए तब तक एक ही टर्म रहता है, मल्टीप्लाई आ रहा है डिवाइड आ रहा है आता रहा है कोई बात नहीं, टर्म वो सेम रहेगा, एक ही रहेगा, जब प्लस आएगा तो टर्म दूसरा चालू हो जाएगा या माइनस आए तब भी नेक्स्ट टर्म चालू हो जाएगा, तो यहाँ देखना चाहिए इस इक्वेशन में कितने टर्म है भाई, इस वाले में कितने टर्म है, तो 2 × मल्टीप्लाई लगाया चल जाएगा, चल जाएगा, तो पूरा मिलाकर एक टर्म है, आगे क्या आ गया प्लस, तो फिर नया टर्म आएगा, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या है 2 × 6, तो मल्टीप्लाई चलता है भाई, तो यहाँ से लेके आगे तक ये हमारा क्या है दो टर्म, तो दो टर्म हो गए, एक टर्म ये रहा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारा ये है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में इस चलो कुछ ही बोल लो आप इसको, इस इक्वेशन में क्या हमारे दो टर्म है दिख रहे हैं भाई, कुछ और लिखूँ मैं बड़ा सा, यहाँ बताना आप 2 × 16 + 19 × 2 − 3 − 4 − 4 × 2 + 16, पता करो यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर कितने टर्म है, तो चेक करो भाई 2 × चलेगा प्लस आ गया, नहीं चलेगा, तो एक टर्म तो ये हो गया, फिर 19 × 2, अब माइनस आ गया, तो यहाँ टर्म खत्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गए, फिर माइनस आगे फिर माइनस आ गया, तो मतलब ये थर्ड टर्म है, फिर 4 आया, 4 के आगे फिर माइनस आ गया, टर्म चेंज हो गया, तो ये क्या हमारा, ये हमारा 1, 2, 3 फोर्थ टर्म हो गया, फिर 4 × यहाँ आया प्लस, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया 5वां टर्म, और ये हमारा क्या है 6ठा टर्म, मतलब इस पूरी इक्वेशन में या फिर इस जो हमने लिखा है इसमें कितने टर्म है भाई, इसमें 6 टर्म है, ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक्स है, ये हमको आना चाहिए अच्छे से,
तो हम अपने इक्वेशन वापस आ जाते हैं हमारे इस इक्वेशन में, या फिर इस वाले जो भी मैंने लिखा है इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, ठीक है। इन दोनों ध्यान से देखो, बताओ क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है भाई? यहाँ लिखा है 2 × 3 और यहाँ भी क्या लिखा है 2 × 6, तो दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा होता तो भी कोई टेंशन ना होता, अगर ऐसे लिखा होता 6 × 2 तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको हम बाहर खींच सकते हैं, अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है उसको हम कहाँ खींच सकते हैं, बाहर खींच लो उसको, ठीक है। तो यहाँ 2 × 3 है और यहाँ 6 × 2 है, 2 इसमें भी आया और 2 इसमें भी आया, 2 को बाहर निकाल लो भाई, 2 कहाँ आ गया बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, यहाँ था 2 × 3, 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा लो, अगर होता माइनस तो माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ से कौन बाहर गया है, 2 या 6, 2, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर 6, तो ऐसे कर लिया। तो यहाँ पर आप कर लो तो आपको आता ही है ना, ब्रैकेट वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 + 6 कितना आएगा, 9, 9 × 2 = 18, तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो या तो आप देखो ये हमारा मतलब शॉर्ट था, इस बंद सा था, इसको हमने खोला तब भी क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसे खुला पड़ा है उसको हमने ऐसे बंद कर दिया, इस तरीके से बंद कर दिया, तब भी वो क्या कहलाएगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। चाहे इस ब्रैकेट को आप ओपन करो या ब्रैकेट बंद कर दो, दोनों किसमें क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा और हमें देखना है, या वैसे शायद 6th class में तो नहीं है वो, 7th class में है, तभी बताऊँ क्या, चलो बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और एक होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, और एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना मतलब हार्ड सा चीज़ नहीं है। तो एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है भाई, मतलब ऐसा नंबर जो किसी में ऐड करें तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। भाई हमने एक होल नंबर लिया 3, तो 3 में क्या ऐड करें ताकि 3 आंसर आ जाए, 3 में क्या ऐड करें ताकि आंसर कितना आए, 3 ही आए, क्या ऐड करोगे फिर इसमें, 3 + 1 तो 4 आ रहा है, 3 + 0 तो 3 + 0 कितना आंसर आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब 0 क्या है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे किसी में तो आंसर भी क्या आएगा हमारा, वो सेम ही आएगा। लाइक 3 + 0 3 आया, 4 + 0 4 आएगा, 10 + 0 कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसको हम ऐड कर दें और नंबर कोई फर्क ना पड़े तो क्या होता हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 0, ठीक है। तो 0 होल नंबर के लिए भी वैसे तो इंटीजर्स में भी होता है और रियल नंबर में भी होता है, ठीक है। हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो ना, रैशनल नंबर पर अप्लाई कर सकते हो आप, तो 2 + 0 2 ही आता है, ठीक है। हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी क्या होती है भाई, ऐसा मतलब नंबर सेम आना चाहिए, लेकिन इस बार क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि नंबर सेम आ जाए, 4 × क्या करें ताकि आंसर 4 आए, तो 4 × 0 ये तो 0 आता है, तो 4 × 1, अगर 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 10 × 1 कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ रहे हो भाई। फिर ये क्या हमारा एडिटिव इनवर्स है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, लाइक 10 है हमारा, 10 का इनवर्स क्या होता है, ऐड वाला, तो बस साइन चेंज कर दो, -10 क्या हो गया इसका, इनवर्स हो गया। अगर ये है -19, इसका इनवर्स क्या होगा भाई, +19, समझ रहे हो। इस तरीके से हम करते हैं, बाकी चैप्टर में है नहीं, इसमें हल्का सा बताया है, जब आएगा जब क्लास 7th में तब मैं अच्छे से बता दूंगा वो, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ क्या होता है भाई, लाइक अपना लिखा है 2/5, इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, उल्टा, 2/5 है तो 5/2 क्या हो गया इसका भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, हमारा आंसर है 3/4, तो -3/4, इसका इनवर्स क्या होगा, तो -4/3, तो जो साइन है वो चेंज नहीं होगा इस बार, बस क्या करना है, ये उल्टा करना है बस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव में बस आप क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर जो है नीचे, तो -3/4 का क्या आया, 4 ऊपर गया, 4/3, और माइनस का माइनस ही आया, अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस ही आता, ठीक है। अब बताओ 13 का क्या आया, 13 के अपॉन में क्या मान लेते हैं, 1, तो यहाँ क्या आएगा, 1/13, 12 का क्या आएगा, 1/12, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग बाय रीअरेंजमेंट, है ना, तो रीअरेंज करके आपको ऐड करना है ना, रीअरेंज क्यों करना है, ताकि आपका आंसर जो है ईजिली और जल्दी निकल आए, बच्चों को ऐड करने में मजा आए, ठीक है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन है हमारे, एक लिखता हूँ 127 प्लस में 256 प्लस में क्या कर सकता हूँ मैं, 873, ये हम ऐड करना है, तो हम चाहे इन दोनों को पहले ऐड कर ले फिर इसको ऐड कर दे, आंसर सेम ही आएगा, या चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो, जिस मर्जी को ऐड कर सकते हो आप, रीअरेंज कर सकते हो इनको, है ना,
किसने बोलता है सर रीअरेंज कर सकते हो आप, तीन नंबर्स हो तो उसको आप रीअरेंज कर सकते हो, वो था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, उसने कहा था ना चाहे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो या इसको इधर ले आओ फिर दोनों को ऐड कर लेना, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो किसने बोला हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम 127 में क्या ऐड करें बताओ, पहले ये वाला ऐड करें या फिर ये वाला ऐड करें, तो किसको ऐड करना है, ऐसा ऐड करा करो जिस जो जीरो बनाकर दे, जो लास्ट में क्या बनाया हमारा जीरो बनाए। तो चेक कर लो भाई यहाँ क्या लिखा है, सेवन, क्या सेवन और सिक्स ऐड करने पर जीरो आएगा या लास्ट में, सात छः तेरह, तीन आएगा नहीं आएगा, सेवन प्लस तीन जीरो आएगा हाँ आएगा, छः प्लस तीन नौ आ रहा है तो जीरो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये दो नंबर नहीं बल्कि फर्स्ट और ये थर्ड नंबर इनको मैं ऐड करना चाहिए पहले अगर आंसर जल्दी लाना है, तो तुम्हारे कलेक्शन कैलकुलेशन जो स्पीड है उसको भी बढ़ाएगा ये, है ना। तो कितना आता है 127 प्लस ये, तो बताओ सात और तीन दस, जीरो आ गया यहाँ पर, दो और सात नौ आ गया, नौ और एक दस, जीरो आ गया फिर से, आठ और एक नौ और एक वन कैरी का दस, मतलब 127 प्लस इतना कितना आता है 1000 आता है। अब प्लस क्या करना है हमको 257, बहुत ईजी भाई, 1000 प्लस 256 कितना आता है 1256, तो 1256 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप इसको पहले ऐड करते तो मुश्किल आता, फिर इसको ऐड करते तो और हमारा डिफिकल्ट हो जाता, तो इसलिए मुझे ऐड करते तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी किसको भी ऐड करो पहले, है ना, तो उसको हम पहले करें जो हमारा आंसर जल्दी देगा, फिर हमको ईजी पड़ेगा मैथड। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में कैसे होता है भाई, हमारा लिखा है क्या लिखो, 75 मल्टीप्लाई 258 मल्टीप्लाई हमारा कितना है फिर 4 है, ये करना है हमको आंसर। तो पहले क्या करें यार, क्या इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, नहीं जीरो नहीं बनेगा यहाँ पर, ऐसे मल्टीप्लाई करना जहाँ जीरो बन जाए, देखो यहाँ पर मिटाता हूँ मैं इसको, 5 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है भाई, अजी तो बन रहा है वैसे 5 है ना, 5 8 कितना होता है 40, तो यहाँ भी जीरो बन रहा है 40, मतलब एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो भाई 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा कितना होता है 20, ठीक है, तो यहाँ जीरो बनेगा, यहाँ भी जीरो बन रहा है, यहाँ भी जीरो बन रहा है, लेकिन देखो अगर हमारा एक जीरो बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर दो बन रहे हैं तो और अच्छी बात है, तीन बन रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो जहाँ जीरो ज़्यादा बनेंगे वो काम करेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे अब इसको 75 को 258 में तो आपका एक जीरो बनेगा, लेकिन अब 75 को मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो आपके दो जीरो बनेंगे, समझ रहे हो। 75 4 से कितना होता है 300, कितना होता है 300 या 300, तो जो दो जीरो बने तो जहाँ जीरो ज़्यादा बनेंगे वो ईजी पड़ता है हमको, तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया 75 मल्टीप्लाई 4, किसने कहा भाई ऐसा कि हम 4 को आगे ला सकते हैं। ठीक है, 258, तो पहले हम इंद्रों को चाहते हैं मल्टीप्लाई करना, है ना, कौन कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे इंद्रों को पहले मल्टीप्लाई करो या इंद्रों करो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो कितना आता है बताओ, ये आता है 300 मल्टीप्लाई 258, अब ईजी है हमारा, हमारा क्या है ईजी है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना और दो जीरो चिपका देना पीछे आंसर में, कर लोगे क्या, हाँ। तो भाई रीअरेंजमेंट मल्टीप्लाई करते ताकि मेरा आंसर जो है ईजिली और जल्दी निकल आए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, आप उसको करना तो आपको करने में मजा आएगा, आपके सॉल्व भी होंगे। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ वैसे वाले भी हैं लाइक 268 मल्टीप्लाई 70 प्लस 268 मल्टीप्लाई 83, ये हमारा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको बताओ, देखो मैंने कहा यहाँ कितने टर्म है, दो टर्म है यहाँ पर, कॉमन क्या है 268, अरे नहीं दिख रहा वो वाला, चलो यहाँ लिखता हूँ 268 मल्टीप्लाई 17 प्लस 268 मल्टीप्लाई 83, तो यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, हाँ 268 कॉमन है, तो इनसे हम बाहर खींच लेंगे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर कुछ कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया करो तो 268 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा हमारा 17 प्लस में 83, बताओ 17 में 83 कितना होता है, पूरा 100 होता है, और 268 मल्टीप्लाई 100 दो जीरो चिपका दो यार, 268 00, तो मेरा आंसर हो गया, समझ रहे हो भाई, ऐसे हम आंसर जल्दी ला सकते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खैर यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी बताओ, कौन सी अभी यूज़ करी हमने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी, कुछ मिट गया, चलो कोई मैंने बोला होगा आपको सही समझ तो आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, हमने यहाँ पर कॉमन हमने लिए, इसको हमने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमने यूज़ करा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हो भाई। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन और होते हैं हमारे, कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 98 मल्टीप्लाई 104, कैसे करेंगे भाई 98 मल्टीप्लाई 104, वैसे तुम जैसे मर्जी कर लो, है ना, बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कैसे करते हैं भाई, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है भाई कि नंबर को आप बांट दो, ये लिखा है 98 तो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, तो क्या करो भाई, इसको लिख लो 100 माइनस 2, ऐसे कर सकते हैं 98 को, हाँ, और लिखा है 104 या फिर 104, उसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 4, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा भाई, हमने इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब शायद आप आगे आपको आता होगा ना, 100 को पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 को 4 में करो, फिर 2 को 100 में करो इस वाले, फिर 2 को इस वाले 4 में करो, कितना आएगा भाई 100 मल्टीप्लाई 100 कितना आता है भाई, ये हमारा आ गया 10,000, फिर 100 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा भाई, प्लस का
400, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा माइनस का 200, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई प्लस 4 कितना आएगा माइनस का 8। आप इस तरह से करना है, ठीक है। 400 में 200 का कितना बचेगा, 200 बचेगा, 10000 और 200 कितना हो जाएगा 10200, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस 8, ये भी घटा दो आप, तो 10200 में से 8 गया, कितना बचेगा 10192, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। कैलकुलेशन ठीक है, चलो ठीक ही हो गया ना, वैसे अगर कुछ हुआ हो तो देख लेना ना। तो इस तरीके से हम करते हैं, समझ रहे हो भाई, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, नहीं दिख रहा है क्या, लो आप देख लो, है ना, अब दिख रहा होगा सारा। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है भाई, एक बार देख लेता हूँ अगला टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा, तो आगे हमारा डॉट पैटर्न, तो एक एक्सरसाइज अगली वाली हमारी 2.3, उसमें हमारा डॉट पैटर्न का मतलब दिया हुआ है। क्वेश्चन तो शायद उसमें नहीं है एक्सरसाइज में, बट उसमें है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो हमने कल किया था, है ना। डस्टर कहाँ गया, तो जो हमने कल किया था उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं डॉट पैटर्न क्या होता है भाई। हमारे वन डॉट है तो सब कुछ फिगर बना सकते हैं क्या, वो मैं चेक करना है ना। टू डॉट, थ्री डॉट, इन सब क्या क्या फिगर बना सकते हैं वो मैं देखना है, ठीक है। तो फिगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन से बनाने हैं हमको, सिर्फ हमें बनाना है लाइन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो मैं लिखता हूँ लाइन, ठीक है, और हमारा क्या है रेक्टेंगल, और दूसरा में बनाना है स्क्वायर, और एक हमें बनाना है ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैं फिगर बना दिया, तो लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, ये चार हमें बनाने हैं भाई यूजिंग डॉट पैटर्न, डॉट पैटर्न, ठीक है। कैसे भाई, वन डॉट है उससे हम क्या बना सकते हैं, लाइन बन सकती है क्या, वन से तो नहीं बनेगी खैर, तो टू से एक लाइन बन जाएगी ना। अगर होते हमारे पास थ्री डॉट, क्या लाइन बन सकती है, 1 2 3 मिला दो लाइन बन गई। फोर होते तो 1 2 3 4 बन गई। इसका मतलब चाहे टू डॉट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितने भी डॉट्स हों, सबसे लाइन बन सकती है। तो लाइन कैन बी मेड, या फिर लाइन पॉसिबल है टू डॉट से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, किससे भी बना सकते हो आप, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि लाइन हमें कितने डॉट से बनता है, तो किससे बन सकता है, ठीक है, सबसे बन जाएगा सबसे, ठीक है। बस कम से कम कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए, ठीक है, मतलब चलो आप जान ही नहीं गए ना, टू या फिर टू प्लस, तो टू हो, थ्री हो, फोर हो, सबसे बन जाएगा, सिवाय वन के ना, वन से तो पूरी लाइन नहीं बनेगी हमारी। तो लाइन सबसे बन सकती है टू प्लस, समझ लो, लिख लेना ये बात हमारी। फिर क्या, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल किससे बनेगा, रेक्टेंगल कैसे दिखता है हमको, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल बनेगा क्या हमारा, दो से बन जाएगा, दो से नहीं, टू डॉट से कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनता है। क्या थ्री से बनेगा, नहीं, कितने से बनेगा, फोर से बन जाएगा, देखो, क्यों, रेक्टेंगल के कॉर्नर ही फोर होते हैं, तो कम से कम चार डॉट तो हमें चाहिए ही, तो 1 2 3 4 चार से बन गया। और किससे बनेगा, पाँच से बनेगा क्या, पाँच से, यहाँ लगा दिया पाँचवा, नहीं बना, अगर एक को लगा दो छठा वाला तो बन जाएगा, ठीक है। आठ से बनेगा, आठ से बन जाएगा क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, बन गया, देखो। हाँ, एक खास बात हो रहा है यहाँ पर, ये जो हम डॉट लगाते हैं वही होने चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये डॉट यहाँ पर है, ये इतना दूर है, फिर ये भी इतना दूर होगा, है ना, वैसे नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं डिस्टेंस कम है, कहीं ज़्यादा है, इक्वल रखना है डिस्टेंस, ठीक है। तो रेक्टेंगल पाँच से नहीं बना, छः से बन गया। आठ से बनेगा क्या, आठ से, हाँ, सातवा येरा और आठवा पॉइंट येरा, आठ से बन गया। दस से नौवा येरा, दसवा येरा बन जाएगा। क्या नाइन से बनेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिख लेना भाई, रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर प्लस पॉइंट, कितना चाहिए भाई, फोर प्लस, या फोर भी चलेगा, ठीक है, फोर भी चलेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो या चार पॉइंट हो या चार से ज़्यादा पॉइंट हो, ठीक है। और कंडीशन क्या है साथ में, वो होना चाहिए इवन, क्या होना चाहिए भाई, इवन। अगर पाँच है तो नहीं बनेगा, छः है तो बन जाएगा, सात है तो नहीं बनेगा, आठ है तो बन जाएगा। क्या 25 से बनेगा रेक्टेंगल, नहीं, 26 से बनेगा, हाँ बनेगा, इवन है क्योंकि वो, ठीक है, समझ गया भाई। फिर हम देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर किससे बनता है भाई, है ना, स्क्वायर किससे बनता है, तो वन डॉट से तो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, टू से बनेगा क्या, नहीं, चार कॉर्नर होते हैं, चार तो चाहिए हमको, चार से बन जाएगा क्या स्क्वायर, एक दो तीन चार, चार से बन गया भाई हमारा, ये अगर मिलाएंगे हम ऐसे तो फोर डॉट से हमारा बन गया। क्या पाँच से बन जाएगा, पाँच से, नहीं, कोई सा कोई लगा देगा यहाँ पर पाँच, तो नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ लगा दो यहाँ, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, फिर से यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ तो क्या डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस रखना है सेम, ठीक है। तो छः डॉट से हमारा जो स्क्वायर है वो नहीं बनता, कितने से बनेगा हमारा स्क्वायर, हमारा स्क्वायर बनेगा नाइन से, कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ एक दो तीन, तो ये हमारा क्या बन गया बताओ, एक स्क्वायर बन गया। तो आप समझ गए होंगे, पहले हमारा क्या बना बताओ, पहले बना फोर डॉट से, फिर बना नाइन डॉट से, आगे कितने से बनेगा बताओ, आगे बनेगा हमारा 16 से, कितने बने, 16 डॉट से। तो यहाँ पैटर्न समझ गए क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। अगर कोई नंबर क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है,
परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या होता है, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, आगे पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36 है ना, 49, 64 है ना, आठ का स्क्वायर होता है 89, 9 का होता है, तो उन सबसे हमारा स्क्वायर बन सकता है, समझ रहे हो। तो लिख लें स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या ट्रिक है हमारी, एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर नंबर, समझ रहे हो। वैसे वैसे वन भी स्क्वायर नंबर होता है, वन हमारा क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है, वन का स्क्वायर वन ही आता है, लेकिन वन से हमारा स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ऐसे फिगर नहीं बनेगा, लेकिन वन स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। तो वन इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, ठीक है, लेकिन फिगर बनेगा क्या, फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। आप देखते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल किससे बनेगा हमारा, ट्राइंगल तो ट्राइंगल के मुझे ये मिटाना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो देखो स्क्रीन शॉट ले लो, फिर लिख लूँगा जो भी लिखना हो, तुम रोक के लिख लेना। तो आगे हमारा जो है ट्राइंगल का और देखना है बस, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। ट्राइंगल कैसे बनेगा भाई, ट्राइंगल तो वन टू, आगे हमने यहाँ लगा दिया थ्री, तो ये क्या बन गया हमारा, एक ट्राइंगल बन गया। तो मतलब वन टू और ये थ्री, तीन डॉट्स एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। जब ट्राइंगल बनाएंगे तो एक खास बात और है, जितने पॉइंट नीचे होंगे उससे एक कम ऊपर, एक कम ऊपर, एक कम ऊपर, और सबसे ऊपर एक पॉइंट होगा हमेशा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉइंट्स घटेंगे, पहले फोर, थ्री, टू, फिर वन, ऐसे करेंगे। तो यहाँ कितने पॉइंट थे, दो, आगे कितने बचे, एक, अब क्या जीरो तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया तीन से बन गया हमारा, अब कितने से बनेगा हमारा, चेक करते हैं भाई। तो यहाँ हमारे कितने पॉइंट थे नीचे, हमारे पहले दो थे, अब कर लेते हैं तीन, तो वन टू थ्री, अगर यहाँ थ्री है तो ऊपर कितने आएंगे, सिर्फ टू आएंगे, इस ऊपर सिर्फ कितने आएंगे, वन ही आएगा। तो देखो क्या ट्राइंगल बन रहा है, हाँ ट्राइंगल बन रहा है, कितने से बना हमारा, तीन नीचे, तीन और दो पाँच, और एक किया, कितने पॉइंट हो गए, छः पॉइंट, और यहाँ थे तीन पॉइंट। अब आगे चलो, यहाँ तीन लगाए नीचे, अब तीन नीचे लगा लो फोर, कितने लगाओगे भाई, एक दो तीन चार, अगर यहाँ चार है तो यहाँ कितने आएंगे, एक दो तीन, यहाँ कितने आएंगे ऊपर, दो, और यहाँ कितना आएगा, एक, क्या बन रहा है ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल बन रहा है। तो ये कितने से बना हमारा, चार और तीन सात, और दो नौ, और एक दस, दस से बना। आगे कितने से बनेगा, बनाऊँ क्या, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लगा दिए हमने, ऊपर कितने आएंगे, चार आएंगे, फिर कितने आएंगे, तीन आएंगे, फिर दो और फिर एक, तो इससे हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर, पाँच और चार नौ, नौ और तीन बारह, और दो चौदह, और एक पंद्रह, तो यहाँ पंद्रह है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न तो पैटर्न तो यहाँ पर है, यहाँ कितना भाई, तीन प्लस, फिर प्लस फोर, प्लस फाइव, आगे प्लस सिक्स, मतलब 21, 21 डॉट से भी आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और जो बीच में पढ़ेंगे 16 उससे नहीं बनेगा, 17 नहीं पड़ेगा, 11 11 से ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, 11 डॉट से ट्राइंगल नहीं बनेगा, डॉट पैटर्न में नहीं बनेगा ना। 12 से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, 13 से नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो लिखे उनसे ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो 15 के आगे क्या आएगा हमारा, 21 आएगा, 6 प्लस करेंगे, फिर 7 प्लस करो, 21 प्लस 7 28, 28 से बनेगा, 28 प्लस 8 36 से बनेगा, समझ रहे हो। तो ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ट्राइंगुलर नंबर, क्या कहलाएंगे, ट्राइंगुलर नंबर, समझ रहे हो भाई। तो वैसे वन भी हमारा ट्राइंगुलर नंबर, वन से ट्राइंगल बनता नहीं है, ठीक है। कैसे होता है ट्राइंगुलर नंबर वन, देखो ये आंसर हमारे कैसे आ रहे हैं, चेक करवाता हूँ। पहले लिखा वन हमने, फिर क्या लिखेंगे, वन प्लस टू, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री, फिर क्या लिखेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, चेक कर लो भाई, यहाँ कितना आंसर आ रहा है, थ्री, पहले का आंसर थ्री आया था, हाँ, यहाँ आएगा छः, यहाँ कितना आया था, छः आया था, अगला आंसर कितना आया हमारा, टेन, देखो यहाँ कितना आया था हमारा, टेन आया था, अब कितना आंसर आएगा, पंद्रह, यहाँ भी कितना आया था, पंद्रह। तो इधर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हमें वन यहाँ लिखना पड़ा, ठीक है, इस पैटर्न को पूरा करने के लिए वन भी लिखना पड़ा। तो वन से ट्राइंगल बनता तो नहीं, लेकिन मेरी वन ट्राइंगुलर नंबर है, ठीक है। तो वन, थ्री, सिक्स, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे ट्राइंगुलर नंबर होते हैं, समझ रहे हो भाई। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा 15 है, बताओ इससे ट्राइंगुलर नंबर बनेगा नहीं बनेगा, तो एक तो मतलब आपका ये है कि शुरू कहाँ से करो, आप तीन से, फिर ऐड करो उसमें, तीन में तीन ऐड करो, फिर प्लस फोर प्लस फाइव, इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं कुछ ज़्यादा होशियार बच्चा है, फिर एकदम अलग आंसर निकालना चाहता है, तुरंत निकालना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। देखिए हमारा 15, बताओ 15 जो है ट्राइंगल नंबर है या नहीं, ये सर ट्राइंगल बन सकता नहीं बन सकता, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ देखो ये हमारा क्या है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्या आपको फॉर्मूला आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, हाँ आता होगा, क्या होता है भाई, एन एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एन एन प्लस वन अपॉन में टू, ऐसे ही तो होता है भाई। अगर वो पूछे 15 किससे, 15 से बताओ ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो बराबर में क्या रख दो भाई, 15, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो एन एन प्लस वन बराबर 30, तो ऐसा ढूंढो भाई 30 के कैसे फैक्टर होते हैं इसमें, एन और एन प्लस वन, मतलब वन का डिफरेंस हो, ऐसा होता है क्या, 30 के कौन से फैक्टर हैं, 5 और 6, 5 6 30, 5 6 30, तो ऐसा पॉसिबल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब जो हमारे 15 था वो ट्राइंगुलर नंबर है। अब चेक करो 21 का क्या करना है भाई, पहले दुगना करो 21, 21 से दुगना कितना होता है 42, क्या 42 से फैक्टर पॉसिबल है, डिफरेंस 1 का हो, हाँ पॉसिबल है, 6 और यहाँ 7, 6 7 का कितना आता है हमारा 42, हो गया भाई। अब हमारा चेक करो कौन सा, 10 करते हैं, 10, क्या 10 हमारा ट्राइंगुलर नंबर है, तो पहले क्या करना है, डबल करना है, 10 का डबल कितना होता है 20,
20 के फैक्टर हैं क्या? हाँ है, 4 और 5, 4 5 जाए 20, और डिफरेंस 1 का है। समझ रहे भाई, सारी ट्रिक समझ गए शायद आप, है ना? अगर नहीं समझे दोबारा से वीडियो देखना अच्छे से और फिर समझ जाना, ठीक है? मतलब कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, ठीक है? बस लास्ट हमारा 2 मिनट और, 2 मिनट का क्वेश्चन और बचा है हमारा, 2 क्वेश्चन, वो कि हमारा 0+0 क्या आएगा बताओ। 0+0 कितना आता है? 0 ही आता है। और 0-0 कितना आएगा? 0-0, 0 आएगा। और 0 × 0 भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन 0 डिवाइड क्या आएगा? 0 डिवाइड 0 कितना आता? 0 नहीं आता, तो हम बोलेंगे नॉट 0, ठीक है? ये क्या हमारा? नॉट डिफाइंड। तो 0/0 0 नहीं आता, या फिर कुछ भी 5/0 या 2/0 एनीथिंग अपॉन में 0 इज नॉट 0, 0 आंसर नहीं आएगा इसका। क्या आएगा इसका आंसर? नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड, पता नहीं क्या आएगा, समझ रहे हो भाई? लेकिन 0 ऊपर हो तो चलेगा, तो 0/5 या 0/2 इनके आंसर क्या आते हैं भाई? 0 आते हैं, ठीक है? तो 0 को किससे डिवाइड कर लो, आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 हो तो नहीं चलेगा, समझ रहे हो भाई? अब हमारा एक बात हो कि हमारा अगर हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, तो इससे आप क्या समझ सकते हो बताओ? अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई? उनमें से कम एक नंबर 0 होगा। लाइक 2 × 0 कितना आ रहा है? 0 आएगा। 2 × 3 कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर आंसर 0 लाना आपको मल्टीप्लाई करने पर, तो कम से कम एक नंबर 0 हो, ठीक है? 5 × 0 0 ही आएगा। अगर 0/0 हो तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर एक नंबर या 2 नंबर 0 हो, तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 व्हेन 1 या फिर बोथ आर 0। अगर उनमें से एक 0 या फिर दोनों 0 हो, तो आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 0 आएगा। अब बताओ, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1, कितना है भाई? 1। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बताओ, क्या 2 नंबर 1 होने चाहिए या फिर 1 नंबर 1 हो तो चलेगा? देखो, 2 × 1 कितना आता है? ये तो 2 आता है, हमें आंसर 1 लाना है, है ना? 3 × 1 कितना आता है? तो 3 आता है। तो 1 कब आएगा? सिर्फ जब 1 × 1 करोगे आप, तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 कब आ सकता है मल्टीप्लाई करने पर? जब दोनों नंबर में 1 हो, ठीक हो? व्हेन बोथ नंबर आर 1, देन इनका प्रोडक्ट कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर? कितना आता है? इनका आंसर 1 ही आता है। समझ गए भाई? तो आई थिंक आप सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है? तो अच्छे से आप वीडियो दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, देख लेना अच्छे से ना। तो मैं सारा जो इस एक्सरसाइज करा दिया, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बढ़िया से अपना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? बाकी टेस्ट प्रैक्टिस आपको अगर नहीं है, मतलब वो तो आप उससे कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम प्रेपर से, वो आप करते रहो, ठीक है? अगर केवीएस के मॉक देने, मॉक टेस्ट देने, तो आप टेस्ट बुक ऐप से दे सकते हो, ठीक है? अभी ऑफर भी चल रहा है ठीक ठाक से, है ना? तो शायद 269 का है 2 साल का, वो आप कर लेना अगर लेना हो तो आपको, ठीक है? बाकी इसका लिंक विंक जो है मैं कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। टाइगर ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है भाई? तो ये सारा करवा दिया हमने, अब आप प्रैक्टिस करो, आपके हाथ में।